हेलो यूट्यूब टीम्स, आई एम सौरभ त्रिपाठी। यहाँ पे आप मेरा चैनल देख सकते हो, सौरभ टेक्नोलॉजी के नेम से मेरा चैनल है। मेरे चैनल पे 8,800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं और मेरे चैनल का यूआरएल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे चैनल का यूआरएल है। बहुतों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, उनका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होता है, उनके सामने देखने को मिलता है रीयूज कंटेंट है और आप लोग का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होता है। और नीचे साइड यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट अपील का ऑप्शन। यहाँ पे स्टार्ट अपील में क्या रहता है कि अपना खुद का वीडियो बनाकर, जैसे आप लोग अपना इंट्रो देके अपने चैनल के बारे में बताकर यहाँ पे अपील कर सकते हो, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो री यूज कंटेंट आने के बाद। गाइस बहुत लोग अपील वीडियो बना भी लेते हैं और अपलोड भी कर लेते हैं बट उनका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपील वीडियो सही तरीके से बना सकते हैं और अपील वीडियो बनाने के बाद आपको करना क्या है, कैसे आप लोग का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करना। आज की मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अपील वीडियो कैसे बनाया जाता है सही तरीके से, कैसे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो री यूज कंटेंट आने के बाद। तो गाइस आप लोग को इंट्रो कैसे देना है पहले मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ कि इंट्रो आप लोग को देना कैसे है। हेलो यूट्यूब टीम्स, आई एम सौरभ त्रिपाठी। यहाँ पे आप मेरा चैनल देख सकते हो, सौरभ टेक्नोलॉजी के नेम से मेरा चैनल है। मेरे चैनल पे 8,800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं और मेरे चैनल का यूआरएल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे चैनल का यूआरएल है। गाइस आप लोग को इतना पहले बोलना है, हाय यूट्यूब टीम्स, जो भी आपका नेम रहेगा आप नेम बोल देना, फिर आप अपने चैनल को ऐसे दिखा देना यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। फिर आपको बताना है कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, और फिर गाइस आपको अपने चैनल का यूआरएल दिखाना है। देख सकते हैं जैसे मैं नीचे दिखाया हूँ, सेम आपको भी अपने चैनल का यूआरएल ऐसे दिखाना है। इतना करने के बाद अब गाइस यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, अब इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। गाइस आप लोग को भी अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, कोई आपका अदर मोबाइल देख ले लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझाना है अपना इंट्रो और अपने चैनल के बारे में, आपको बहुत ही बेहतरीन समझाना है तभी आप लोग का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लिया है। अब गाइस आप लोग को भी अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लेना है और यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी करना है, जैसे मैं शो कर रहा हूँ ये इंट्रो भी बना रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा शो हो रहा है, तो आप लोग को भी ऐसे शो करना है। अब यहाँ पे अपना यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको बोलना है, जैसे यहाँ पे मैं शुरू से आपको समझाता हूँ, यूट्यूब टीम्स मैं अब अपने चैनल को आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है, मेरा खुद का वीडियो है, मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं YouTube ओपन करता हूँ और अपने चैनल को मैं सर्च कर लेता हूँ। मेरे चैनल का नेम है सौरभ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं YouTube टीम्स मेरा चैनल आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने चैनल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा चैनल है जो कि मैं अपना खुद का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लगभग एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैं इस वीडियो को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा खुद का वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं YouTube टीम सभी ऐड आ रहा है, मैं अपना खुद का वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड को स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो YouTube टीम्स ये मेरा खुद का वीडियो है, यहाँ पे मैं अपना खुद का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप लोग को भी ऐसे दिखा देना है कि मेरा खुद का वीडियो है, मैं अपना खुद का वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। YouTube को लगना चाहिए कि हाँ आपका ये चैनल है, आप अपना खुद का वीडियो अपलोड करते हो। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना एक वीडियो ओपन कर दिया। अब गाइस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को भी अपना वीडियो ओपन करके दिखाना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। एक वीडियो नहीं दिखाना है, लगभग 4 वीडियो आपको ओपन करना है। जैसे एक वीडियो मैंने दिखा दिया YouTube टीम्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube टीम्स ये मेरा खुद का वीडियो है, मैं इस चैनल पर अपना खुद का वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं अपना दूसरा वीडियो भी ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा दूसरा वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा खुद का वीडियो है, इस वीडियो में मेरा खुद का वॉइस है और ये आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको थर्ड वीडियो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीसरे वीडियो को भी ओपन कर दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं YouTube टीम्स ये भी मेरा खुद का वीडियो है। मैं अपने वीडियो में अपना वॉइस देता हूँ, अपना फेस दिखाता हूँ अपने चैनल पे। अब यहाँ पे आप 4 वीडियो देख सकते हैं, 4 वीडियो जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो YouTube टीम्स ये मेरा खुद का वीडियो है, मैं अपने वीडियो में फेस दिखाता हूँ और अपना वॉइस भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा खुद का चैनल है, मेरा खुद का वीडियो अपलोड इसमें रहता है और मैं अपने चैनल पे ऐसा कोई गलती नहीं करता हूँ जो कि YouTube के रूल के खिलाफ हो। मैं YouTube के रूल को फॉलो करके चलता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस को कभी भी मैं हट नहीं करता हूँ और कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर ही मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। अब यहाँ पे इतना बोलने के बाद गाइस आप लोग को अब दिखाना है कि आप एडिट किससे करते हो। काइन मास्टर से जैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ
बहुत लोग अलग अलग ऐप से एडिट करते हैं अपने वीडियो को, तो आप लोग को उस ऐप को भी दिखाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिखाना है। इतना बोलने के बाद अब आपको बोलना है YouTube टीम्स, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो को एडिट कैसे करता हूँ, किस ऐप से करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं काइन मास्टर से अपने वीडियो को एडिट करता हूँ, तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस इसको बैक कर देता हूँ, मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ। जैसे आप लोग काइन मास्टर ओपन करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब आप लोग को एक वीडियो भी सिलेक्ट करना है। YouTube टीम्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब YouTube टीम्स यहाँ पे मैं एक वीडियो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी वीडियो मुझे एडिट करना रहता है मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वीडियो मेरा ओपन हो जाता है काइन मास्टर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अपने वीडियो में मैं हल्का फुल्का एडिट करता हूँ, तो एडिट में आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मुझे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं इफेक्ट डाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर देखने को मिलेगा, मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिल्टर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर देखने को मिलता है। यहाँ से मैं इस फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो फिल्टर है मैं अपने हर एक वीडियो में लगाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ मैं फिल्टर अपने वीडियो में लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो पे क्लिक करता हूँ, आगे कुछ गलती हो गया है मेरे वीडियो में, तो यहाँ पे मैं कट पे जाता हूँ और आगे का ये रिमूव कर देता हूँ। जो भी मेरा गलती रहता है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद मैं अपने वीडियो में कोई स्क्रीन शॉट दिखाना रहता है, जैसे कोई भी मैं बता रहा हूँ और उसका स्क्रीन शॉट मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लेयर पे जाता हूँ और मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, जो भी स्क्रीन शॉट मुझे दिखाना रहता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अपना फोटो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप लोग कोई भी स्क्रीन शॉट ले लेना, जैसे आप लोग को दिखाना रहेगा आप दिखा देना। यहाँ पे देख सकते हैं YouTube टीम्स मैंने स्क्रीन शॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा लेता हूँ, कुछ भी बताना रहता है तो मैं ऐसे स्क्रीन शॉट लगा कर भी बता देता हूँ। आप लोग को ऐसे बताना है कैसे वीडियो एडिट करते हो, आपको पूरा नहीं बताना है, डिटेल्स मत बताना, हल्का फुल्का आपको बताना है। अब गाइस इतना एडिट करने के बाद आपको अपने वीडियो को सेव कर लेना है। जैसे ये मेरा वीडियो 7 मिनट का है तो टाइम लगेगा, लगभग 1-2 मिनट का वीडियो लेना और एडिट करने लगना, उसमें आप बता देना कि ऐसे एडिट करता हूँ, ये एडिट करता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे एक गलती नहीं करना है, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये भी बता देंगे कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज करता हूँ। गाइस यहाँ पे आप अपील वीडियो बना रहे हो, ना कि अपना खुद का वीडियो यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यूज नहीं करना है। जितना मैं आपको एडिट बताया हूँ हल्का फुल्का आप एडिट कर देना, बट आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना है। अपील वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब को आप दिखा रहे हो, तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाना, बस आप लोग को यही हल्का फुल्का एडिटिंग दिखाना है। यहाँ पे ऐसे आप हल्का फुल्का एडिटिंग दिखाने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देना और इस वीडियो को सेव कर लेना। आप लोग को ऐसा बताना है कि YouTube टीम्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने वीडियो को ऐसे ही एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद मैं गैलरी पे जाता हूँ, अपने वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। और कोई भी मेरा ऐसा वीडियो नहीं रहता है जो कि YouTube के रूल के खिलाफ रहे। मैं जो भी अपना वीडियो बनाता हूँ YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करके चलता हूँ। मेरा जितना भी वीडियो है मेरा खुद का वीडियो है, मेरा खुद का वॉइस उस वीडियो में है। तो YouTube टीम्स आप एक बार दोबारा मेरे चैनल को आप चेक करिए, रीयूज कंटेंट मेरे चैनल पे आ चुका है। मेरे चैनल पे ऐसा कोई गलती नहीं है जिससे मुझे रीयूज कंटेंट मिले। आप लोग एक बार दोबारा मेरे चैनल को चेक करिए और मेरे आप YouTube चैनल को मोनिटाइज करने की कृपया करें। थैंक यू YouTube टीम्स, ऐसे आप लोग को बोल देना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे समझ गए कि आप लोग को इंट्रो में बोलना क्या है, कैसे आप लोग अपने YouTube चैनल दिखाना है और क्या करना है। आप लोग को समझ में आ गया कि अपील वीडियो बनाना कैसे है। अब अपील वीडियो बनाने के बाद अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप लोग का YouTube चैनल मोनिटाइज होगा। गाइस अभी आप लोग को अपील वीडियो को अपलोड नहीं करना है, बहुत लोग क्या करते हैं अपील वीडियो को अपलोड कर देंगे इसी टाइम। गाइस आप लोग अपलोड करोगे तो आप लोग का YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। पहले आप लोग समझ लो कि आप लोग को करना क्या है, अपने चैनल पे क्या करना है। गाइस जो रीयूज कंटेंट आपके चैनल पे देखने को मिल रहा है, तो आप लोग के चैनल पे ऐसा कोई गलती होगा जिसकी वजह से रीयूज कंटेंट YouTube आपको देता है, ऐसा नहीं दे देगा कि फालतू में रीयूज कंटेंट आपके चैनल पे देखने को मिलेगा। गाइस आपके चैनल पे गलती क्या रहता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग जैसे किसी दूसरे का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हो, जैसे आप लोग सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक कोई सोशल मीडिया से आप शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो, या किसी दूसरे का वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो ये सब क्या है रीयूज कंटेंट वीडियो है। ऐसा कोई वीडियो आप अपलोड करोगे तो आप लोग का YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा और आपके सामने रीयूज कंटेंट देखने को मिलेगा।
अब गाइस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को देखना है कि कौन सा वीडियो आपका रीयूज कंटेंट में आता है। गाइस जब आप लोग YT स्टूडियो में जाओगे तो आप लोग का वीडियो वहां पे शो हो जाएगा और आप लोग को खुद पता होगा कि आपका कौन सा वीडियो है और कौन सा आप दूसरे का वीडियो अपलोड किए हो अपने चैनल पे। किसी का भी दूसरे का वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड किए हो, कहीं से भी डाउनलोड करके आप अपलोड किए हो, तो उस वीडियो को आपको डिलीट करना है अपने चैनल से। जितने भी वीडियो रहेंगे आपको अपने चैनल से डिलीट करना है जो भी रीयूज कंटेंट में आता है। गाइस जैसे आप लोग रीयूज कंटेंट वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर देते हो, डिलीट करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है, जो अपील वीडियो आपने बनाया उस वीडियो को अपलोड करना है। वीडियो अपलोड किस प्रकार करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस जब आप लोग वीडियो को अपलोड करना तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग को अनलिस्टेड पे अपने वीडियो को अपलोड करना है। गाइस यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, टाइटल में बहुत बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि रीयूज कंटेंट आ चुका है मोनेटाइज, यहाँ पे उल्टा सीधा लिख देते हैं टाइटल में। आप लोग को उस वीडियो में टाइटल नहीं लिखना है, टाइटल में बस क्या लिखना है, अपील, अपील बस लिख देना, यूट्यूब समझ जाएगा कि हाँ अपील वीडियो है। और गाइस बहुत लोग डिस्क्रिप्शन भी बहुत लोग लिख देते हैं उस वीडियो में, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन ये सब नहीं लिखना है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब मत लिखना, बस टाइटल में आपको अपील लिखना है और फिर उस वीडियो को अनलिस्टेड करना और उसको आप सेव कर देना। जैसे आप लोग सेव वीडियो करोगे वो आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब के पास पहुंच जाएगा। अनलिस्टेड वीडियो आप कर रहे वो यूट्यूब आपका वीडियो देख लेगा और वहाँ पे आपके चैनल को दोबारा चेक करेगा, आपके चैनल पे कोई भी गलती नहीं रहेगा। जितने भी रीयूज कंटेंट वाला वीडियो मैंने बताया उसको आपने डिलीट कर दिया और आपके चैनल पे कोई भी गलती नहीं है और आप सही तरीके से अपील वीडियो बना लेते हो, तो आप लोग का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे बहुत लोग एक गलती और करते हैं, जैसे क्या करते हैं ना कि आप लोग जैसे अपील वीडियो अपलोड कर दिए फिर उसके बाद अपना खुद का वीडियो बार बार अपलोड करने लगते हैं। गाइस आप लोग को ये नहीं करना है, अपील वीडियो आप जब अपलोड करोगे फिर उसके बाद आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड मत करना जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। गाइस यहाँ पे यही गलती बहुत लोग करते हैं, अपील वीडियो अपलोड कर देंगे फिर अपना खुद का वीडियो बनाएंगे, तीन चार वीडियो अपना खुद अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। अपील वीडियो आपने अपलोड किया, अपील वीडियो को आप रहने देना, जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होता है तब तक आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड मत करना। अब गाइस आप लोग को एक डाउट और रहता है कि जब मैं अपील वीडियो बनाऊंगा तो मेरा YouTube चैनल कितने दिनों में मोनिटाइज होगा। बहुत लोग का ये डाउट रहता है कि मैं अपील वीडियो तो बना लिया बट YouTube से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मेरा YouTube चैनल कब मोनिटाइज होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल पे कोई भी गलती नहीं है, रीयूज कंटेंट वाला एक भी वीडियो आपके चैनल पर नहीं है, तो गाइस आप लोग का YouTube चैनल लगभग 10 से 15 दिन आपके चैनल लगेगा मोनिटाइज होने में। गाइस जब YouTube को आप अपील वीडियो भेजोगे तो 10 से 15 दिन आप वेट करना, आपका YouTube चैनल 15 दिन के अंदर मोनिटाइज हो जाएगा और मोनिटाइज होने के बाद आपको मैसेज चला जाएगा कि आपका YouTube चैनल मोनिटाइज कर दिया गया है। तो गाइस ऐसे आप लोग को अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज करना है और आप लोग के मन में ये डाउट था कि कितने दिनों में मोनिटाइज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया और अपील वीडियो भी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूरी कर देना, मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।